बढ़ेंगे आगे। महिला से बदसलूकी करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी जेल से छूट गया है। बीते दिनों हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली थी, बेल मिली थी, लेकिन अब जिला जेल लुक्सर से रिहा हो गया है श्रीकांत त्यागी। आज ये रिहाई हुई है। बीते दिनों हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी और आज जिला जेल लुक्सर से रिहाई हुई है श्रीकांत त्यागी की। नोएडा की ओमेक सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का शिकंजा कसा। श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा और अब आखिरकार कई महीनों के बाद श्रीकांत त्यागी जेल से रिहा हो चुका है। समाज सर्वोपरि है। समाज ने जो हमने समाज में अपने काम किया, अपने लोगों में काम किया, उन्होंने हमारा साथ देने का काम किया और उनका साथ देना मेरे लिए भगवान का साथ देने बराबर है। अब कहां जा रहे हैं? ओमेक्स जा रहे हैं। ओमेक्स जा रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी मेरठ ने खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला से गैंगरेप नहीं हुआ था, महिला ने अपने साथी के साथ एक साजिश रची थी। तीन लोगों को अब इस मामले में हिरासत में लिया गया है। दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आईजी मेरठ की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी मेरठ ने ये खुलासा किया है। गाजियाबाद में जहां महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया था, लेकिन अब इसमें खुलासा ये हुआ है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने ये षड्यंत्र रचा था। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर महिला ने अपने साथी के साथ ये पूरी साजिश रची थी, जिसमें कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। दोषियों पर अब मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई, तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि दो अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। उस पूरे प्रोसेस में ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।